मक्खियाँ। स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू ब्लॉग में। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह सुबह ही हो रही है, तो आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। पहला आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हों, बाकी मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने आपको सुबह का सीन वगैरह सब दिखा दिया। सुबह 5 बजे इसका सीन था और अभी बज चुके हैं 5:30। तो बच्चों को उठाते हैं सबसे पहले। आओ जल्दी आओ जल्दी आओ वैशु, आओ बेटा। बेटी ना अजीब सा हो जा रहा है उसको बार बार मक्खियाँ, इतनी सारी मक्खियाँ हैं कि पूछो मत। तो वो बार बार काट रही है ना, इसलिए उसको गुस्सा आ रहा है। ये देखो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? तुम्हारे भी नहीं ऑफिस में कर रहे हैं बस सब साथ। बैग ले आओ ना। हेलो लालू, वो नीचे डॉगी आ गई गाड़ी के पास। देखिए रोड आने से इतनी सुविधा हो गई है ना सभी के लिए, बहुत अच्छा हो गया। बाकी कल हम जो गए थे वो इस तरफ गए थे, इधर वाले गांव में तो पता ही नहीं चला, पहले पैदल जाते थे। तो अपना रोड की वजह से बहुत अच्छा लगा, मैं तो पहली बार गई वहाँ पर रोड से, तो सीधे वहीं पर ही पहुँचे हम लोग। तो टाइम भी बच गया और काफ़ी अच्छा रहा, रोड आने से मतलब बहुत सुविधाएँ हो गई हैं गाँव में। चलो हमारे ईजा बाबू दादा दादी लोगों ने तो नहीं देखा, कम से कम आज हम लोग देख रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी देख रही है, उनको सुविधा मिल गई, यही बहुत बड़ा है। बाकी मैं गाड़ी के पास जा रही हूँ थोड़ा सामान वगैरह सेट करना, क्योंकि आज ना जाने का टाइम भी आ गया। मन तो करता नहीं है अपने घरों को छोड़ के जाने का, लेकिन क्या करें, सब चीज़ देखनी है, जाना भी ज़रूरी है आना भी ज़रूरी है। तो सामने खड़ी है गाड़ी, मैं जा रही हूँ वहाँ। क्या हुआ? दोनों बतिया रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं। जैकी क्या हुआ? ओए वहाँ से वो गुस्सा कर रहा है। तो जी मैंने पूरी गाड़ी ना साफ कर दी और सेट भी कर दिया, बाकी बेटा भी आ गया है तो डाल रहा है पानी गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी आजकलों में ना गर्मियों के टाइम में वैसे भी डेली डालना चाहिए, और फिर आज के आजकलों में तो गर्मियों में वैसे भी ध्यान देना चाहिए, टाइम टाइम पर गाड़ी को ठंडे रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये भर गई है, पानी भी भर गया, अब हम चलते हैं। चलो मैं नहीं, आओ चलो। हो गया ध्यान से? हाँ इसको तो बड़े ध्यान से करना चाहिए, कभी कभी ना ये हमें लगता है कि ढक्कन लग गया और ढक्कन गायब हो जाते हैं और बड़ी प्रॉब्लम होती है। लग गया, ये लॉक देखना है इसका। चलो भाई अपने सुंदर से गांव से फिर चलते हैं, फिर दोबारा फिर आते हैं, ये तो रोज का है हमारा आना जाना। लेकिन बहुत अच्छा लगा इतने दिन यहाँ पर, बच्चों की छुट्टियाँ भी इंजॉय हो गई थोड़ा, क्यों? चलो अब आगे को आपको ना दिखाती हूँ थोड़ी देर में ऊपर क्या चल रहा है। दीदी लोगों ने नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं, अभी हमने बड़े वाले जेठ जी से भी मिलने जाना है, उन्होंने बोला था सुबह मिलके जाना। चलिए बाकी ये देखो, ये चप्पल बिल्कुल नहीं पहनती है। क्यों? मेरे देश की मिट्टी नंगे पाँव चलती है, इसको अच्छा लगता है, कहती मिट्टी में चलने बहुत पसंद है मुझे, तो ये मिट्टी में नंगे पाँव ही चल देती है, इतना प्यार है अपनी मिट्टी से। ये देखो ये, इसका नाम है काजू किशमिश। ए काजू किशमिश, काजू किशमिश क्या कर ले हो आज, यहाँ कहाँ आ गए तुम? अंगूर खाओगे? ये तो मैं लेके जा रही हूँ अपने साथ, मैं रास्ते में खाऊंगी इसको। वाओ देखो, हम एक कुछ अंगूर का ले जा रहे हैं जो पका हुआ है। ये जा कहाँ रहा आज है? उतने दिन से बुला रही थी, नहीं आया, आज अपने मन से आ रहा है, हम जा रहे हैं ना इसलिए। क्यों आज सब चाहिए इसको? ये देख 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 देख, ऐसे ही होता है ना, जब तक रहो तब तक ज्यादा वो नहीं, इतने दिन से यहाँ थे नहीं बोल रहा था ये, आज जाने लगे तो मैं इसी लगा रहा है। रे हीरो काजू, ए काजू, आज बच्चों से इतना प्यार हो गया तुम्हें, काजू किशमिश काजू किशमिश काजू किशमिश काजू किशमिश काजू किशमिश। जा दीदी को खेल दिखा रहा, देखो तो ये यहाँ भी तैयारी होने लगी है, देखो सुखाने सुकून की, बाकी वहाँ आलू के सुखौड़े, अब यहाँ मिलते हैं और फटाफट चलते हैं। वैष्णवी क्या कर रही? वैष्णवी
गर्मी में जाना ही पड़ता है। काम भी बनना है स्कूल का भी। यहाँ पे मैं तो कभी गड़ी पड़ी का पड़ी का। अब वो जय माता की। तो जी फाइनली हमारी ना विदाई हो चुकी है और हम जाने लगे हैं। अब टाइम हो गया 8 बज गए। हम सुबह से तैयार होते होते कितना तो समय लग ही जाता है। और दीदी तो सुबह सुबह कितने काम करके आ गई है, कहाँ कहाँ से होके आ गई है। आज हमारे संग सफर में आ रही है बड़ी वाली जेठानी। चल रहे हो ना, तो इनको लेके जा रहे हैं हम। चलो ताई जी को प्रणाम बोलो। अरे मुझे कहाँ ले रहे हो? अरे यार आज दीदी तो कभी कभी देती है, पकड़ लेना चाहिए। कभी कभी तो दे रही है, पकड़ लेना चाहिए। हाँ आई लव यू टू। वाह थैंक यू थैंक यू। तो क्या हो गया, ये भी बहुत होता है, आशीर्वाद है वो। प्रणाम तो बोल, प्रणाम बोल। ये साड़ी कौन सी है? मेरी वाली भगवान है ना, कितनी प्यारी लग रही है देखो। अभी रखी है मैंने ये वैष्णवी के नामकरण की साड़ी, देखो दीदी ने अभी तक संभाल के रखी है और अच्छी भी लग रही है। सच में अच्छी लग रही है यार, ये कलर अच्छा है ना, कलर अच्छे से मतलब भाला बढ़िया का चिपक रहा है। हाँ अच्छी है। चलो फिर, हाँ दीदी पहला फिर मिलेंगे, फिर आएंगे। ओए गा तो दौड़ के आ गई पोटली वोटली लेके। अच्छा? दीदी लोग कहाँ है? अरे वो भी गई है। अच्छा ये देखो इसी वाले घर में था बर्थडे। जीते रहना। हम पहुंच चुके हैं शहर फाटक और टाइम हो गया है 9 बज गए हैं। बाकी अजीब सा लग रहा है, सुबह जल्दी भी उठ गए थे और फिर गाड़ी का सफर कर रहे थे। पता नहीं क्यों, वैसे तो कुछ नहीं होता मुझे, लेकिन आज थोड़ी अजीब सा लग रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर रुके हैं, हवा खा रहे हैं भाई। और मैं लाई थी 2 दाने आड़ू के तोड़ के, आड़ू खाते हैं। बाकी ना हमें थोड़ा सा धाना चुली में भी काम है, वहाँ पर भी रुकना है। तो आपसे थोड़ी देर में मिलेंगे हम। यहाँ पर ना इतना कंजेस्टेड है कि मतलब गाड़ियाँ एकदम से पास नहीं हो पाती हैं। तो ए लड़की कहाँ जा रही? आशीर्वाद। अरे वो कहाँ से? तो कुछ समय बाद ना शहर फाटक की बाजार भी टूटने वाली है। देखिए इतनी कम जगह है क्योंकि अब चौड़ीकरण हो रहा है हर जगह पे, तो इस वजह से यहाँ की बाजार में भी अब बदलाव आने वाला है। तो पता नहीं कितना क्या टूटेगा। तो थोड़ा सा रिकॉर्ड करके रख लेते हैं इन यादों को। ये देखिए ये हमको कौन मिल गया? भैयू जीते रहना, कैसे हो? कैसे जीवन? हमारे ये हमसे मिलने हल्द्वानी गए। देखो मिलना था ना, ये होता भाई बहन का प्यार। सच्चा प्यार था, हम मिल गए। तो ना मैं जब तक गांव आई हुई थी, ये ना घर पे मुझसे मिलने के लिए कितने बार वहाँ रूम पे भी गए, मम्मी से मिलने भी गए, और इतने मैसेज में हमारी बातें हुई, और अभी अचानक हमें यहाँ पर मिल गए। ये हैं भैया, छोटे भाई हमारे। तो मैं इनसे पहले ढेर सारी बातें कर लेती हूँ, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा। तो हम ना आए नाई से पहाड़ पानी और भैयू आया है हल्द्वानी से अपने घर, खेती के लिए जा रहे हैं। तो हमारी रास्ते में मुलाकात होगी तो काफी अच्छा लगा और ढेर सारी बातें भी कर ली। बाकी तुम्हें कैसा लगा मिलके? बहुत अच्छा लगा ना। ये देखो ये छोटा भाई है मेरा, तो भाई बहन का प्यार था। देखो हम मिल गए, ये हल्द्वानी गया था मैं, वहाँ नहीं मिल पाई और यहाँ पर हम मिल गए। बाकी हम अपना सफर करते हैं कंटिन्यू आगे को। हम जा रहे हैं हल्द्वानी और ये जा रहे हैं पहाड़ों में अपने घर ठंडी ठंडी हवा खाने। और हल्द्वानी में कैसा हो रहा है मौसम? बढ़िया हो रहा है, गर्म हो रहा है वहाँ तो। बाकी ये ना जब हल्द्वानी गए थे तो स्वेटर और कम्बल लेके गए थे ये भैया। स्वेटर कम्बल लेके हल्द्वानी पहुंचे थे, मेरे से व्हाट्सअप कर रहे थे कि क्या करना है, ठंडा ज्यादा हो रहा है गर्म ज्यादा हो रहा है। मैंने कहा रजाई लेके आना अब तुम। तो ऐसा हो रहा है, लेकिन ना हल्द्वानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया, 47 के समथिंग पहुंच गया था कल। तो इस बार गर्मी बहुत ज्यादा है, पेड़ पौधों में फल फूल भी नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पर बढ़िया है। ठीक है फिर मिलते हैं बाद में। बाय, बेस्ट ऑफ जर्नी, बाय, फिर मिलेंगे। ओके
बाकी हम भी चलते हैं आगे चलो को चलो चलो बैठो ये बड़ा अच्छा लगा मिलके मतलब ओके एको बना रखी है आलू बैगन की और दाल बना रखी है बाबू भात के साथ आलू बैगन है ना गरम हो गया गरम ड्यूटी लग गई हमारी यहाँ आते गरम इधर है हमने सोचा था बना बनाया खाना खाएंगे यहाँ पर आके बैगन की सुपर यहाँ आते ना मान जी को बाहर का खाना वाना परहेज है तो यहाँ पर चल रहा है नाटक तो इस वजह से ना मुझे बनाना पड़ रहा है मान जी के लिए एक बात बताओ एसी जब एसी के रूम से बाहर जाते हैं ऐसा लगता है कि वो क्या कहते हैं गर्म कहाँ होता है ज्यादा शिमला ठंडा होता है शिमला सबसे ज्यादा ठंडा होता है शिमला से सीधा दिल्ली हेलो तो हम धानाचुली से निकले थे अब देखो हम भीमताल पहुंच चुके हैं तो हमारा सफ़र भी अब घर तक है बस और देखो मम्मी जी की भी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है इसलिए मम्मी जी आज एंड नहीं कर रही है हम कर रहे हैं पापा जी और मैं देखो और हमको पहाड़ में बहुत मज़ा आया कितनी सारी चीज़ें थी अब नानी माँ भी घर में अकेली हैं तो अब हम घर जा रहे हैं तो इसी के साथ ब्लॉग की एंडिंग भी करते हैं तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना ओके बाय जय उत्तराखंड जय उत्तराखंडी बाय।